दल बदल करने से नेताओं को मजबूती मिलती है। हमारे ब्रज आंचलन में एक बुजुर्गों की कहावत है कि जिधर बजेगा बम उधर रहेंगे हम। इनका कोई अता पता नहीं रहता, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, और इनका तो कोई अता पता ही नहीं है। जनता को भी बिल्कुल गुमराह करते हैं। इन लोगों को तो चित्ती लाना चाहिए। जिस पार्टी की बदौलत नेता बनते हैं और जिसकी बदौलत आगे बढ़ते हैं उसी का खाते हैं, और नेता मौके पे आके उसी पार्टी को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे नेताओं पर पब्लिक को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको बुरी तरह से हराकर बाहर भगाना चाहिए। अभी तो जनता की राय आप सुन रहे थे और हमारा सवाल भी इससे करीब करीब जुड़ा हुआ ही है कि क्या दल बदलुओं को जिताना चाहिए चुनावों में। इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ और आपकी राय का भी इंतजार कर रहे हैं, जो हम देखेंगे कार्यक्रम के आखिर में। ज्योति जी, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है इसको देखकर आप क्या कहते हैं, क्या उनका मिशन 25 पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, दोनों तरफ के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं और पार्टियों के भी उम्मीदवार सब सामने आ चुके हैं जी। अब कांग्रेस को कितनी सीट मिल जाएगी इस बीजेपी की इस लिस्ट के? देखिए, ये अनुमान और सर्वे करना तो ये आप बुलाएंगे अभी समय समय पर, अभी समय है। आप पंडितों के साथ भी बुलाएंगे, आप सर्वे करने वालों के साथ भी बुलाएंगे, हम निश्चित रूप से उनसे। आप तो पूरे राजस्थान को समझते हो, इसलिए मैंने कहा कि और ये लिस्ट आ गई है, ज्यादातर लोगों को आप जानते हैं। 25 सीटें आएंगी कांग्रेस की निश्चित रूप से, इसमें क्या बात है। देखिए, सीट डिक्लेयर हो चुकी है, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स लगभग डिक्लेयर कर दिए हैं, हमारा कैंपेन भी शुरू हो चुका है और निश्चित रूप से हम जनता को जो योजनाएं दी गई हैं, जो विकास के काम हैं, उनको ले जाकर के मंच पर भी लेकर के जाएंगे। और आप मेरे से निश्चित रूप से मंच पर जो बातें हमको बोलनी है वो यहाँ बोलने के लिए आज से तो नहीं करेंगे। हमारा निश्चित रूप से कैंपेन चलेगा, कैंपेन चलेगा। नहीं, देखिए, विवशता नहीं होती है। जो बात अगर आप कह रहे हैं कि जब अगर मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, ये मेरा दायित्व है कि मैं पार्टी के प्रति, जिस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, अगर मुझे कुछ भी जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाऊं और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने 100% एफर्ट्स। आपको नहीं लगता जैसे अभी एक दर्शक कह रहे थे कि जिधर बजेगा बम उधर रहेंगे हम? देखिए, दोनों तरह की आपने राय यहाँ पे सुनी है, इसीलिए आपका भी इसमें परसेंटेज भी आ जाएगा कौन क्या कह रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दल बदल ने जिसने आपको आगे बढ़ाया दल नहीं बदलना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपकी बात आप अगर नेतृत्व तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जिस मुद्दे को लेकर के जनता के साथ जाना चाह रहे हैं पार्टी उसको नहीं सुन रही है, तो हमको अपनी पार्टी के उस मुद्दे के लिए अगर दूसरी पार्टी में जाना चाहिए तो जाना चाहिए। और जैसी शुरुआत में जैसी बात हुई कि ये असंवैधानिक नहीं है, संविधान ने ये अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया है कि आप किस विचारधारा से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये संविधान ने अगर हमको कुछ राइट दिया है तो उसको। पंकज जी, आपको लगता है मिशन 25 कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होगा। ये लिस्ट को आप अप्रूव कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मैं ही क्या, लेकिन मेरे को इसमें बहुत थोड़ा सा दुविधा लग रही है कि मैं तो सोचा था इस पार्टी के पास बहुत मार हो रही होगी कैंडिडेट्स के लिए। आपको तो विधायक भी फिर से उतारने पड़े हैं, ओम बिरला जी को उतारा आपने, संतोष अहलावत जी को उतारा। ये देखिए, कैंडिडेट मतलब पार्लियामेंट के लिए आपके पास नहीं बचे कि आपने फिर विधायकों को रीयूज कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि आप विधायक उतार रहे हैं तो आपको कैंडिडेट नहीं है। लेकिन देखिए, कहीं ना इसका मतलब यही है ना कि मैं अभी ज्योति जी के सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, दो चीज़ें बहुत साफ सी हैं कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र बहुत जरूरी है, और जब आंतरिक लोकतंत्र की जब बात होती है तो हमने जो है कांग्रेस की तरह कहीं दो जगह पर हमने खाली चुनाव नहीं कराए, हमने 25 की 25 सीटों पर जो है रायशुमारी की, और रायशुमारी करने के बाद कार्यकर्ताओं को पूछा कि भाई क्या चीज़ है, और जब उसमें ये चीज़ आई कि नहीं, सब विधायक को ठीक है। कार्यकर्ता आपके बहुत भविष्यवक्ता है, भविष्य देखने वाले हैं। देखिए, जो हरीश मीणा परसों पार्टी में शामिल हुए, कौन सी रायशुमारी हुई? उन पर भी आपकी रायशुमारी पहले हो गई, अनाउंस हो गई, अनाउंस हो गई। और हरीश मीणा जी की हो गई दौसा में, हो गई अनाउंस। नहीं, देखिए, है ना, और हरीश मीणा जी वो ऑफिसर हैं जिनको आपने विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन पर दबाव डलवा के डीजीपी पद से हटवा दिया था। नहीं, अचानक ये जो प्रेम आपका उमड़ा। नहीं, मैंने कहा ना, आपने जो दो नाम बताए पहले उसकी बात कर लें कि संतोष अहलावत जी और ओम बिरला जी की, तो दोनों काम तो ये चीज थे। फिर मैंने बहुत साफ से शब्दों में मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं, देखिए, पार्टी की जब जीत की बात होती है, कहीं ना कहीं जब होता है, तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकता, और जो आदमी डिनाई कर रहा है कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है कि हम ये चीजों को नहीं देखते। बहुत सारी चीजें होती है जब जीतने, क्योंकि बहुत साफ सी बात की, मैं एक बात से सहमत हूँ। प्रॉब्लम आप कह रहे हैं माहौल बना हुआ है, देखिए, माहौल बना, देखिए,
माहौल बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टी सीधी गाड़ी चलाएं। आप बहुत परफेक्ट ड्राइवर तो ये नहीं कि आप गाड़ी को बिल्कुल ब्रेक छोड़ दीजिए, ये भी चीज नहीं है। आप देखिए पूरे के पूरे जो चुनाव है, चुनाव जनता की उस पर है, चुनाव में हर एक चीज, एक एक सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी सीट का जो है महत्व कम नहीं है। और ये जो चीजें हैं आपने कहा ना कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर, आपको जसवंत सिंह जो 30 साल से 40 साल से पार्टी में, उनसे ज्यादा कर्नल सोनाराम महत्वपूर्ण लगते हैं? नहीं देखिए ऐसा थोड़ी कर्नल जसवंत सिंह जी की कोई जो है अभी वो बाड़मेर सीट पर आना चाहते हैं, आपकी बात को मानू तो मैं ये मानू की जसवंत सिंह जी कम जिताऊ उम्मीदवार है कर्नल सोनाराम के मुकाबले। देखिए मैंने आपको कहा ना, देखिए दो चीज बड़ी साफ देखिए, कमजोर कैंडिडेट जीतना सबसे नहीं नहीं, नहीं देखिए कहीं ना कहीं, देखिए अभी आप बहुत सीधी सी चीज है कि कहीं ना कहीं जब पूरी की पूरी जब चीजें होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब देखने पड़ते हैं, और वहां के कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जब वहां किसी ना किसी कारण से जो है कोई प्रॉब्लम आती है सीट में। आपने पिछली बार जयपुर सीट देखी थी, आपने कहीं ना कहीं जयपुर की सीट जो है चाल चले तो चेहरे पर नहीं गई थी, पिछली बार जो सीट गई थी वो किसी ना किसी चीजों पर गई थी। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ भी, फिर लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या कारण है जिससे इतना बड़ा बदलाव होता है चुनावों के दौरान। आप हमारे साथ बने रहिए, अब जनता की राय देखेंगे अगले सेगमेंट में कि जनता की राय क्या है और हमारे खास मेहमानों की राय क्या है। तुरंत लौटते हैं। इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या दल बदलुओं को जिताना। जवाब का मैंने जिक्र भी किया था शुरू में कि जनता का निर्णय ही आपके इस दल बदलने के निर्णय पे मोहर लगाता है। अगर वो अगर आपको स्वीकार कर लेते हैं दल बदलने के साथ, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है और आपका निर्णय अपने आप ही उचित हो जाता है। उससे बेहतर है कि आप दल बदल करें, उससे बेहतर है कि पहले कर लें और फिर वो इम्तिहान हो गया, कम से कम वो जनता के साथ धोखा तो नहीं होगा, वो आपका इम्तिहान देकर के तो आप वहां तक पहुंच रहे हैं। वाटरप्रूफ हो गई है, नहीं जानती है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन सब चीजों का, बदले या नहीं बदले उन्होंने तो। आप देखिए अब क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती जा रही है, संस्कृति में बहुत बदलाव आ गया है। चल रहा है वो कांग्रेस को पूरा बहुमत मिलेगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, भले वो नाम कहें या नहीं कहें, और बीजेपी ने तो अपना नाम घोषणा कर ही रखी है, सबको पता है। अब वन पॉइंट प्रोग्राम है, अगर मोदी के फेवर में है वो तो दल बदलू है तो भी आप बीजेपी को दो, अगर मोदी के फेवर में नहीं हो और दल बदलू नहीं है तो भी आप मत दो। वैसे ही अगर आप राहुल गांधी के फेवर में हो तो कांग्रेस का समर्थन करो। अब बात एमपी की नहीं रही है, अब बात प्रधानमंत्री की हो गई है, पहले एमपी के आधार से होता था तो इसलिए फॉर्म में। राकेश जी आपके लिए तो वैसे पार्टी में आपको सीट बची नहीं, क्योंकि या तो पंकज जी 25 ले जाएंगे या ज्योति जी ले जाएंगे, क्या कहेंगे आप कमीशन का? देखिए ये हमारे पुराने नेताओं की गलतफहमी है कि जनता बेवकूफ है। जनता के पास अब तक विकल्प नहीं था, अब तक खाली इतना था कि एक बार कांग्रेस को चुन लो, एक बार बीजेपी को चुन लो, दोनों बार धोखा खाओ। अब जनता कहीं नहीं राय नहीं, जनता बेवकूफ है, बिल्कुल इस राय से हम नहीं कर लो, ये लाइन नहीं बोलना चाहते हैं। मुझे भी अधिकार बोलने का, मुझे बोलने दीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझती है और इनकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। जनता चाहती अच्छे लोग आए, वो चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, और ये जनता समझ रही है कि किसी तरीके से सत्ता में आना है, उसके लिए जितने कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, विचारधारा तो खो गई है, जैसा आपने पूछा था विचारधारा क्या, सिद्धांत ये सब चला गया है, राजनीति की डिस्टेंस ये खत्म हो गया है, लेकिन हमारी पार्टी ने कई नई चीज़ें सिखाई अन्य पार्टियों को और मुझे विश्वास है कि इस बार नया कुछ हम सिखाएंगे, ये भी एक हमारा एक्सपेरिमेंट है। आप सोशल इंजीनियरिंग के अलावा भी आप यदि अगर ईमानदारी काम करते हो तो रेफरेंडम कराएंगे, कई आप वो कई चीज कॉपी कर रहे हो, आज जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे, हमारे हर चीज पर आपने पहले इस तरीके से हंसी उड़ाई थी, उसके बाद में कई चीज कॉपी की है, कांग्रेस ने भी की, बीजेपी ने की है, ये जनता ने देखा है, आपने देखा है, तो ये भी शायद ये लोग सीखेंगे कि आपको ये सोचने के बजाय कि जनता यहाँ पर ब्राह्मण को चाहती है, बनिए को चाहती है, ये सब ना सोचे, सोचिए ये कि अच्छा आदमी होना चाहिए, उसे उतारे, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जनता निश्चित तौर पर उसे अपना वोट देगी। और आपको भरोसा है कि जो आपने जिस तरह से सोच समझ के उम्मीदवार उतारे, अच्छे उम्मीदवारों को उतारा जी, उनको लोग, हमने जनता को एक विकल्प देना था दिया है और हमें विश्वास है कि जनता निश्चित तौर पर इस विकल्प को अपनाएगी, बजाय ये जो बाकी जोड़ तोड़ किए गए हैं सत्ता में आने के, उसके बजाय जी। पंकज जी
थोड़ा सा भारी मन से आप जवाब मत दीजिए, थोड़ा सा आराम हो जाए। पार्टी जैसे चल रही है, चाल चरित्र चेहरा जो गया गया, समझाया गया, कोई चीज नहीं, अब है उनको छोड़ दे, आप क्या कर सकते हो। मुझे पता है आपको नहीं पसंद है, बहुत सारी चीजें नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन अभी जो लिस्ट आ गई है जिसमें जो भी समझौते हुए हैं, हरीश मीणा जी को ले लिया है, कर्नल सोनाराम को ले लिया है, कुछ और लोगों को ले लिया है, कुछ और लोगों को नहीं लिया है, वो सब छोड़ दें, क्या अब आपको लग रहा है कि इस सब के बाद भी आप सरकार बनाने की स्थिति में होंगे? देखिए मैं ही नहीं, ये ना हो कि सब गए, मतलब नहीं, आप देखिए ये मैं ही नहीं, देखिए देश माया मिली ना राम ना हो, देखिए देश में जो लोकतंत्र है जिस हालत में है कि आज न केवल मैं कह रहा हूँ बल्कि जितने भी मीडिया हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, जो लोग अपने काम कर रहे हैं उन पे आप देखिए कि कहीं ना कहीं हम जो है पार्टी से निराश मत होना, नहीं आपको पार्टी से कहीं निराश नहीं है, हम तो कभी निराश नहीं थे, हम तो चलते हुए तब से आ रहे जब तक निराश नहीं थे, हमेशा जब अटल जी जब दो लोग थे तब भी निराश नहीं थे, आज भी जब बहुत वो पार्टी आप वाली पार्टी अभी भी वही पार्टी, अभी भी उनके जो निश्चित रूप से मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, पूरे देश में जो वर्चस्व रहा है, तो ऐसे कहना कि कुछ लोग लग रहा है ऊपर हल्का हो गया, हल्का हो गया तो तेजी से तैर करके आगे बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा तो डूबने की संभावना है बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये तो एक तो पंकज जी की पार्टी आपकी मदद कर रही है जहाज को हल्का करने की तैयारी में, हाँ अगर वो कर तो इसमें मैं देखिए मैं फिर ये बात कहना चाहूंगी कि जब एक छोटा सा एक छोटी सी राय में जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आया जयपुर में तो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि जनता की राय, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राय यह है कि ज्योति खंडेलवाल जी को कैंडिडेट बनाना चाहिए पार्लियामेंट्री सीट पर, है ना, ये जनता की राय मेरे को ऐसा बताया गया था, और आप कहती हो कि पार्टी जनता की राय से चलती है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या जनता की राय ज्योति खंडेलवाल के पक्ष में थी या नहीं? मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, मीडिया की राय और चर्चाएं दोनों उनके चलाना उनका अधिकार है, राय और चर्चाएं दोनों चलाना, वो कुछ कुछ चर्चाएं भी चलाते हैं कि ज्योति जी भी पार्टी चेंज कर रही है, फिर कभी कुछ चर्चाएं चलाती है ज्योति जी पे शायद राय एक साथ चल रही है, तो राय और चर्चाएं चलाना आपका अधिकार है, आपका कर्म भी है, आप कुछ भी कर कुछ भी चर्चा, तो कई बार खंडन कर चुकी हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनता की राय नहीं थी, लेकिन मैं कहना जनता की राय ऐसा नहीं थी, टिकट की जब बात आ रही है तो जनता की राय तो देखिए मेरे साथ है ही, तभी मैं डायरेक्ट इलेक्टेड मेयर के रूप में यहाँ आपके, तो मतलब जनता की राय कांग्रेस पार्टी नहीं सुनती, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको टिकट दिया गया है वो भी सांसद है, वो ठीक है, उनको भी वो ठीक है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब है कि जनता की राय पार्टी नहीं, इसका मतलब है कि जनता की राय पार्टी नहीं सुनती, ऐसे पूछे और घुमा करके दूसरी तरह से पूछे, आखिरी शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, आखिरी बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ बीजेपी के पार्षदों की बहुमत थी, स्थिति में आपको जनता ने चुना जी, तो ऐसी बुरी स्थिति में भी अगर आपको कांग्रेस टिकट देती तो हो सकता था कुछ आप स्थिति कांग्रेस की मजबूत होती, हम तो बिल्कुल उसके तार्किक रूप से आपको कह रहे हैं, 46 कितने थे आपके पार्षद, 47 थे, 47 पार्षद थे, फिर आप ही क्यों जीती, इस पे आप विचार कीजिए, आपके समर्थन में इसका मतलब कमजोर क्षण में कांग्रेस अगर इस कमजोर क्षण में भी आपको टिकट देती तो कुछ आशा की वो थी, तो वो उन्होंने उसको बराबर कर दिया, आपको पार्टी की आशा और उम्मीद और पार्टी का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से 25 पहली बार देख रहा हूं राकेश जी किसी कैंडिडेट के लिए इतना समर्थन कोई और वो उसके लिए तैयार ही ना हो, ये वो मंच ही नहीं है जहाँ पर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको एक बात कहूंगी, ये वो मंच चर्चा कर कराके हो गया है, देखिए विजय जी ये वो मंच नहीं है जहाँ पर आपने मुझे लगता है इस तरह की चर्चा, लेकिन का जहाज डूब रहा है ये आप भी जानते हो, सारी जनता जानती है, कांग्रेस भी जानते हैं, और वो इस चुनाव को सीरियसली ले नहीं रहे, वो खाली चुनाव लड़ना इसलिए लड़ रहे हैं, समस्या ये है कि जो इस वजह से समस्या ये है विजय जी की जो बीजेपी कहती है कि मोदी की इतनी हवा है, इतनी हवा के बाद में क्यों मोदी जी दो जगह चुनाव लड़ते हैं, क्यों आपको राज ठाकरे को लाना पड़ता है, पासवान जी को लाना पड़ता है, या फिर जगदम्बी पाल जी को लाना पड़ता है, ये दुर्पक लाना पड़ता है, सारे जनता से पूछते लड़ू या नहीं लड़ू, वो जनता से पूछते कि भाई आप मेरी हालत तो खराब नहीं कर दोगे, आप कहो तो मैं जीत चुनाव लड़ू, आप कहो तो मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कैंडिडेट जो है चुनाव से पहले कहता है कि आप बताइए कि मुझे वोट दोगे कि नहीं दोगे, आप कहो तो मैं खड़ा हो जाऊं, और नहीं तो चलिए जी विजय जी मैं कोई विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन एक भविष्यवाणी कर देता हूं मैं, आप देखिए चुनाव के बाद में
जितने लोग यूपीए में थे वो जो लोग पहले धर्मनिरपेक्ष थे वही सारे अब कम्युनल बन जाएंगे, वो सारे एनडीए में आ जाएंगे और ये पहले भी हो चुका है। ऐसे एक दो पार्टियां बची शायद जिन्होंने कभी दोनों को साथ ना दिया हो, और ये गणित फिर से होने वाला है। चलिए सबकी ज्यादा बदल जाएगी, ठीक है, आधार की ये भी बात ठीक है आपकी। नई पार्टी था ये तो भी कश्मीर पर चलिए इस पर बात कर रहा हूं। आपने मेरा जो ज्ञानवर्धन किया पूरे इस मामले पर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में आपने हिस्सा लिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिग फाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।